वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज की इस वीडियो में मैं आपके लेके आई हूँ नवंबर माह के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज हम इसका पार्ट वन डिस्कस करेंगे, जल्द ही मैं इसका पार्ट टू और पार्ट थ्री भी आपके लिए लेके आऊंगी। और नवंबर के जितने भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं अभी तक, जो वो पार्ट वन में हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद के क्वेश्चन हम पार्ट टू और पार्ट थ्री में डिस्कस करेंगे। कंप्लीट पीडीएफ आपको लास्ट वीडियो के बाद मिल जाएगा, यानी पार्ट थ्री जो आएगा उसके बाद आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा नवंबर माह का बेस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट वन नहीं देखा है तो इसको भी आप लोग हमारे चैनल पर जाके मंथली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, नवंबर माह का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट वन। और प्रीवियस मंथ के यानी अक्टूबर और सितंबर के भी करंट अफेयर्स आप लोग हमारे चैनल पर जाके मंथली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने यूपीआई पेमेंट की शुरुआत की है, यानी विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज स्टार्टेड यूपीआई पेमेंट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप ने अभी यूपीआई पेमेंट की शुरुआत की है। और व्हाट्सएप किसकी ओनरशिप में है, तो व्हाट्सएप फेसबुक के ओनरशिप में है, यानी फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जो मोस्टली इंडिया में लोग यूज करते हैं। NPCI की बात करते हैं तो NPCI का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI ने आखिरकार फेसबुक के स्वामित्व यानी फेसबुक की ओनरशिप वाली मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप को देश में अपनी पेमेंट सेवाओं के लिए श्रेणीबद्ध तरीके से लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है। किसने? NPCI ने। NPCI द्वारा मंजूरी संगठन द्वारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है इनका फुल फॉर्म, UPI का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, UPI के उपयोग के विषय में अपने नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करने के बाद दी गई है। कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म होते हैं जो मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड कराती हूं कंटेंट में, आप उनको अच्छे से याद कर लीजिए। जैसे यहाँ पे NPCI का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और UPI का हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो लास्ट SBI का मेन्स एग्जाम हुआ था और RRB के एग्जाम्स हुए थे स्केल 2 के स्केल 3 के, उसमें मैंने प्रोवाइड कराए गए कंटेंट से भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस पुट अप हुए थे, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखने के बाद कंटेंट को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यह मंजूरी व्हाट्सएप के द्वारा उसके प्रतिद्वंदियों जैसे कि गूगल पे, वॉलमार्ट और फोन पे जैसे एकल तीसरे पक्ष पर एक सीमा रखता है, जहां वे केवल समग्र यानी UPI लेन देन संस्करणों का 30% संभाल रहे हैं। कौन कौन से? गूगल पे और वॉलमार्ट और फोन पे। और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो NPCI के MD और CEO हैं दिलीप असबे। दिलीप असबे जो है वो NPCI के MD और CEO हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में NPCI का हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना हुई थी सन 2008 यानी 2008 में NPCI की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने किस बैंक पर नियमों का उल्लंघन करने का जुर्माना लगाया है? Which bank has fined RBI for violating rules? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, DCB बैंक पर। किस पर लगाया है? DCB बैंक पर लगाया है RBI ने अभी नियमों का उल्लंघन करने का जुर्माना। भारतीय रिजर्व बैंक ने DCB और जियो पेमेंट्स बैंक पर विभिन्न नियमों के उल्लंघन के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया है। याद रखिएगा DCB और जियो पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन में जियो पेमेंट्स बैंक भी हो सकता है, तो वो भी सही आंसर होगा। DCB और जियो पेमेंट्स बैंक दोनों बैंकों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियमों के उल्लंघन के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने म्यूचुअल फंड, बीमा आदि के विपणन वितरण पर कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने पर DCB बैंक पर 22 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कितना लगाया है? 22 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है DCB बैंक पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। कभी कभी पूछा जाता है अमाउंट में कि कितना लगाया है, तो ये याद रखिएगा 22 लाख रुपए लगाया है। यह जुर्माना RBI द्वारा धारा 47A बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46 के प्रावधानों के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करके लगाया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि किसके एक्ट लगाया गया है, तो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46A के तहत लगाया गया है। रिजर्व बैंक की बात करते हैं तो रिजर्व बैंक के गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर हैं। कौन से हैं? 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास RBI के। और RBI में 4 डेप्यूटी गवर्नर है, उनके नाम क्या है? तो फर्स्ट है BP कानूनगो, MK जैन, MD पात्रा और राजेश्वर राव। 4 डेप्यूटी गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्यपुरी को कार्लाइल ग्रुप में एशिया बिजनेस के लिए सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया है, वे किस बैंक के पूर्व एमडी रह चुके हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है आदित्यपुरी की, आदित्यपुरी को कार्लाइल ग्रुप में एशिया बिजनेस के लिए सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया है। तो आदित्यपुरी पूछा गया है किस बैंक के पूर्व एमडी रह चुके हैं, तो इम्पोर्टेंट है और सभी जानते होंगे एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के पूर्व एमडी रह चुके हैं आदित्यपुरी। यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि अभी वर्तमान में कौन है एचडीएफसी बैंक के एमडी, तो उनका नाम है शशिधर जगदीशन, जो है अभी एमडी बने हैं एचडीएफसी बैंक के। एचडीएफसी बैंक के पूर्व एमडी आदित्यपुरी, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये है आदित्यपुरी, इनको कार्लाइल ग्रुप में एशिया बिजनेस के लिए सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया है। किसमें? कार्लाइल ग्रुप में। अब कार्लाइल ग्रुप क्या होता है? तो द कार्लाइल ग्रुप इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल प्राइवेट इक्विटी अल्टरनेटिव असेट मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विस कॉर्पोरेशन। क्या है ये? तो कार्लाइल ग्रुप जो है ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल प्राइवेट इक्विटी अल्टरनेटिव असेट मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विस कॉर्पोरेशन है। क्या? कार्लाइल ग्रुप। और कार्लाइल ग्रुप में एशिया बिजनेस के लिए, याद रखिएगा, एशिया बिजनेस के लिए सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया है। किसको? एचडीएफसी बैंक के पूर्व एमडी आदित्यपुरी को। वे कार्लाइल ग्रुप के लिए उभरते हुए बाजारों में नए अवसरों के बारे में गाइडेंस देंगे। आदित्यपुरी को 1994 में यानी 1994 में एचडीएफसी बैंक की स्थापना के समय से ही सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? 1994 में आदित्यपुरी। याद रखिएगा, ये सबसे लंबे समय तक किसी भी बैंक के एमडी रहने वाले भी में से भी एक हैं। कौन? आदित्यपुरी। ये सबसे लंबे समय तक रहे हैं एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ। कौन? आदित्यपुरी। कब से कब तक? 1994 से 2020 तक, अभी तक। और अभी वर्तमान में शशिधर जगदीशन नए एमडी बने हैं एचडीएफसी बैंक के। और अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में। उसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएस में। किसका? कार्लाइल ग्रुप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश लक्ष्मीनारायण को किस बैंक का मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे क्या पूछा गया है ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट होता है कि क्या क्वेश्चन में आ रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया है मुख्य सूचना अधिकारी जो है रमेश लक्ष्मी नारायण को किस बैंक का नियुक्त किया गया है। मुख्य सूचना अधिकारी पूछा गया है, ये बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा क्या पूछा गया है। तो रमेश लक्ष्मी नारायण हैज बीन अपॉइंटेड द चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ विच बैंक। किस बैंक का उनको अभी मुख्य सूचना अधिकारी, हिंदी में, इंग्लिश में चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर नियुक्त किया गया है। किसको? रमेश लक्ष्मी नारायण को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एचडीएफसी बैंक के वो अभी नए सीआईओ यानी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बने हैं रमेश लक्ष्मी नारायण। एचडीएफसी बैंक ने रमेश लक्ष्मी नारायण को अपने अगले चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये है रमेश लक्ष्मी नारायण। उनकी नियुक्ति पूर्व जो सीआईओ थे मुनीश मित्तल के इस्तीफे के बाद की गई है। और जैसे मैंने बताया, वर्तमान में एचडीएफसी बैंक के सीईओ और एमडी है शशिधर जगदीशन, हेडक्वार्टर है मुंबई और इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीआईसी बैंक माइन, क्या आईसीआईसी बैंक माइन व्यापक बैंकिंग प्रोग्राम कितनी आयु वर्ग के ग्राहकों के लिए शुरू किया गया है? तो आईसीआईसी बैंक ने अभी आईसीआईसी बैंक माइन एक प्रोग्राम शुरू किया है। तो ये पूछा गया है कि वो कितनी आयु, कितने से कितनी एज तक की जो कस्टमर्स हैं उनके लिए शुरू किया गया है। इंग्लिश में बोले तो आईसीआईसी बैंक माइन कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च फॉर विच एज ग्रुप ऑफ कस्टमर्स। तो सही आंसर क्या होगा? 18 से 35 वर्ष एज के जो लोग हैं, कस्टमर्स हैं बैंक के, उन लोगों के लिए शुरू किया गया है। क्या? आईसीआईसी बैंक माइन एक व्यापक बैंकिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो निजी ऋणदाता आईसीआईसी बैंक ने अपने मिलेनियम ग्राहकों के लिए 18 वर्ष से 35 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के लिए आईसीआईसी बैंक माइन नामक एक व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम शुरू किया है। किसने शुरू किया है? आईसीआईसी बैंक ने, आईसीआईसी बैंक ने शुरू किया है। बैंक द्वारा लॉन्च किया गया आईसीआईसी बैंक माइन भारत का पहला और एक विशिष्ट उत्पाद है, ताकि बैंक अपने सबसे पुराने ग्राहकों को मोबाइल फर्स्ट अत्यधिक व्यक्तिगत और अनुभवात्मक बैंकिंग अनुभव प्रदान किया जा सके। तो याद रखिएगा, आईसीआईसी बैंकिंग माइन जो प्रोग्राम है आईसीआईसी बैंक के द्वारा शुरू किया गया है और अपने 18 से 35 वर्ष के जो कस्टमर्स हैं उन लोगों के लिए शुरू किया गया है।
आईसीआईसी बैंक की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और एमडी और सीईओ है आईसीआईसी बैंक के संदीप बख्शी। आईसीआईसी बैंक का टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। क्या है आईसीआईसी बैंक का टैगलाइन? हम है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है को लैंडिंग स्कीम किसके द्वारा शुरू की गई है? को लैंडिंग स्कीम यानी द को लैंडिंग स्कीम हैज स्टार्टेड बाय, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आरबीआई। आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है को लैंडिंग स्कीम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सही आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक को लैंडिंग सीएलएम स्कीम की घोषणा की है। इसके तहत एनबीएफसी के साथ मिलकर प्रायोरिटी सेक्टर को लोन दे सकेंगे। याद रखिएगा किस लिए शुरू की गई है, तो इसके तहत बैंक जो है वो एनबीएफसी के साथ मिलकर प्रायोरिटी सेक्टर को लोन दे सकेंगे। किसके अंतर्गत? को लैंडिंग स्कीम के। स्कीम के तहत लोन देने के लिए बैंक को और एनबीएफसी पहले से एग्रीमेंट कर सकेंगे और सीएलएम को ओरिजिनेशन ऑफ लोन स्कीम पर एक संशोधित रूप है जिसकी घोषणा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सितंबर 2018 में की थी। सीएलएम के तहत बैंक प्रायर्स एग्रीमेंट के आधार पर सभी रजिस्टर्ड एनबीएफसी एचएफसी सहित के साथ मिलकर कर्ज दे सकेंगे। तो जो सीएलएम है यानी को लैंडिंग मॉडल शॉर्ट में बोलेंगे सीएलएम, इसके तहत जो प्रायर एग्रीमेंट के आधार पर बैंक है सभी रजिस्टर्ड एनबीएफसी के साथ मिलकर कर्ज या लोन दे सकेंगे। एनबीएफसी को अपने बुक्स में इंडिविजुअल लोन को कम से कम 20% हिस्सा रखना होगा। कितना रखना होगा? कम से कम इंडिविजुअल लोन को 20% रखना होगा और प्रायोरिटी सेक्टर के नियमों के तहत बैंकों को कर्ज का एक निश्चित हिस्सा निर्धारित सेक्टर्स को देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी से मतलब है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मेघालय की बिजली वितरण प्रणाली में सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? इंग्लिश में हाउ मेनी यूएस डॉलर लोन हैज अप्रूव्ड बाय द एडीबी टू इम्प्रूव द इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ मेघालय। आई रिपीट, हाउ मेनी यूएस डॉलर लोन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द एडीबी to improve the electricity distribution of the Meghalaya। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 132.8 मिलियन डॉलर। कितना हो जाएगा? 132.8 मिलियन डॉलर। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मेघालय में बिजली वितरण नेटवर्क को बेहतर बनाने और अपग्रेड करने के लिए 132.8 मिलियन डॉलर का ऋण या लोन देने की मंजूरी दी है। किसने? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। और किस लिए? तो मेघालय में बिजली वितरण नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए। योकोस मेघालय विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यानी एमईपीडीसीएल की वितरण प्रणाली और वित्तीय स्थिरता को बेहतर बनाने में मदद करेगा। तो याद रखिएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मेघालय में बिजली वितरण की नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए 132.8 मिलियन डॉलर के लोन को मंजूरी दी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मार्लिंग फिलीपींस में या फिर मनीला फिलीपींस भी बोल सकते हैं। इसके प्रेसिडेंट है मास्टुगु अस्कावा और इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। किसकी? एशियन डेवलपमेंट बैंक की। और इसकी मेंबर कंट्रीज कौन सी हैं? तो 68 मेंबर कंट्रीज हैं यानी 68 सदस्य देश हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की अंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सार्क सेंट्रल बैंक के गवर्नरों के समूह की 40वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? द 40th मीटिंग ऑफ द ग्रुप ऑफ गवर्नर्स ऑफ सार्क सेंट्रल बैंक इज चेयर्ड बाय। तो ये क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि सार्क की जो सेंट्रल बैंक के जितने भी गवर्नर हैं सार्क कंट्रीज की, यहाँ पे बात हो रही है सार्क कंट्रीज की, जितनी भी सार्क कंट्रीज हैं उसकी जो जितने भी सेंट्रल बैंक हैं उनके गवर्नरों के समूह की 40वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है उनके द्वारा अध्यक्षता की गई है सार्क के सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की 40वीं बैठक की। ठीक है, तो रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में सार्क फाइनेंस ग्रुप सार्क फाइनेंस गवर्नर समूह की 40वीं बैठक की वर्चुअल मोड में आयोजित की गई है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में सार्क फाइनेंस गवर्नर समूह, याद रखिएगा सार्क फाइनेंस गवर्नर समूह की 40वीं बैठक वर्चुअल मोड में आयोजित की गई है।
इस बैठक में सार्क केंद्रीय बैंक के गवर्नर शामिल हुए हैं, जितने भी सार्क कंट्रीज हैं उनके सेंट्रल बैंक के सारे गवर्नर इसमें शामिल हुए हैं। बैठक के दौरान श्री शक्तिकांत दास ने एक सीमित यूजर समूह सुरक्षित संचार नेटवर्क सार्क फाइनेंस सिंक्रोनाइज का भी उद्घाटन किया है। अब देख लेते हैं हम लोग सार्क कंट्रीज कौन सी हैं और उनके कौन कौन से गवर्नर जो है शामिल हुए हैं। तो बैठक में शामिल हुए सभी सार्क केंद्रीय बैंकों के गवर्नर इस प्रकार है, आप देख सकते हैं, श्री फजले कबीर बांग्लादेश बैंक के हैं, श्री दासो पेंजोर शाही मौद्रिक प्राधिकारी भूटान, और श्री शक्तिकांत दास जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं, श्री अली हाशिम मौद्रिक प्राधिकारी मालदीव के हैं, श्री महाप्रसाद अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंक, श्री डॉक्टर रेजा बाकर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, प्रोफेसर डब्ल्यू डी लक्ष्मण सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने भाग लिया है। इतने लोगों ने भाग लिया है, ये है सार्क कंट्रीज के सभी सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स। और इसकी बात करते हैं लास्ट, तो गवर्नर द अफगानिस्तान बैंक डीएबी का प्रतिनिधित्व डीएबी के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ पे अफगानिस्तान के जो भी सीनियर ऑफिसर्स थे उनके द्वारा किया गया था। सार्क फाइनेंस की स्थापना कब हुई थी, तो सार्क फाइनेंस की स्थापना हुई थी 9 सितंबर 1998 में, और भारतीय रिजर्व बैंक सार्क फाइनेंस का वर्तमान में अध्यक्ष है। कौन सा, अभी जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये सार्क फाइनेंस का अभी करंट में अध्यक्ष है, वर्तमान में अध्यक्ष है। और अभी जो बैठक हुई है 40वीं, इसकी अध्यक्षता भी की गई है आरबीआई के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास के द्वारा। सार्क फाइनेंस में शामिल केंद्रीय बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है जो सार्क फाइनेंस में शामिल हुए हैं वो कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं, बांग्लादेश, सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका, अफगानिस्तान बैंक, मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भूटान का रॉयल मौद्रिक प्राधिकरण, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इतने जो बैंक हैं अभी वो सार्क फाइनेंस में शामिल सेंट्रल बैंक्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत ने मध्य एशियाई देशों के लिए कितने बिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन का विस्तार किया है, तो भारत ने, हमारे देश भारत ने मध्य एशियाई देशों के लिए कितने बिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन का विस्तार किया है। इंग्लिश में हाउ मेनी बिलियन डॉलर क्रेडिट लाइन हैज इंडिया एक्सपेंडेड फॉर सेंट्रल एशियन कंट्रीज, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक बिलियन डॉलर जो है वो सही आंसर है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में भारत मध्य एशिया संवाद की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में मध्य एशियाई के सभी 5 देश, कौन कौन से वो 5 देश हैं, तो वो 5 कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के विदेश मंत्रियों ने इसमें भाग लिया है। बैठक के दौरान भारत ने कनेक्टिविटी, ऊर्जा, आईटी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि क्षेत्र के लिए मध्य एशियाई देशों की प्रायोरिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, हिंदी में बोलेंगे प्रमुख विकासात्मक परियोजनाओं के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है। तो याद रखिएगा, जो इस बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता के दौरान 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की गई है, और किस लिए की गई है, तो कनेक्टिविटी, ऊर्जा, जब जो भी हेल्थ सेक्टर्स हैं, एजुकेशन सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर्स हैं, इन सभी एशियाई देशों की प्रायोरिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की गई है। पहला भारत मध्य एशिया संवाद 2019 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया था, और हमारे वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है, डॉक्टर एस जयशंकर, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, यह है डॉक्टर एस जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी अर्थव्यवस्था संभालने वाले एससीओ मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसके द्वारा की गई है, यानी हु हैज होस्टेड द मीटिंग ऑफ एससीओ मिनिस्टर हैंडलिंग फॉरेन इकोनॉमी, यानी जो एससीओ मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसके द्वारा की गई है विदेशी अर्थव्यवस्था के संभालने वाले, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत, इंडिया इसका जो है सही आंसर है ऑप्शन सी। भारत ने संघाई सहयोग संगठन, एससीओ को क्या फुल फॉर्म है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ हिंदी में बोलेंगे संघाई सहयोग संगठन, देशों की विदेशी अर्थव्यवस्था और विदेशी व्यापार संभालने वाले मंत्रियों की 19वीं बैठक की मेजबानी की है, किसने, भारत ने। यह वर्चुअल मीटिंग भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। इस वर्चुअल बैठक में एससीओ के महासचिव व्लादिमीर नोरोव सहित किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मंत्रियों ने भाग लिया है।
एससीओ की बात करें तो एससीओ का फुल फॉर्म शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून सन 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्सएप ने यूपीआई पेमेंट के लिए कितने बैंकों के साथ साझेदारी की है? व्हाट्सएप हैज पार्टनर्ड विद हाउ मेनी बैंक्स फॉर यूपीआई पेमेंट्स, यानी व्हाट्सएप ने जो यूपीआई पेमेंट शुरू किया है उसके लिए व्हाट्सएप ने कितने बैंकों के साथ साझेदारी की है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 बैंकों के साथ साझेदारी की है व्हाट्सएप ने यूपीआई पेमेंट्स के लिए। और कौन कौन से हैं वो 5 बैंक? तो वो है SBI, भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और जियो पेमेंट्स बैंक। ये 5 बैंक हैं जिनमें व्हाट्सएप ने अपनी भुगतान सेवाओं को संसाधित करने के लिए साझेदारी की है। NPCI की बात करते हैं फिर से, तो NPCI जैसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में फेसबुक के स्वामित्व वाली मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप को देश में अपनी एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI को श्रेणीबद्ध तरीके से लॉन्च करने के लिए मंजूरी मिली है और उसके तहत व्हाट्सएप ने 5 बैंकों के साथ साझेदारी की है, उनके नाम ये है। हालांकि इन सेवाओं को श्रेणीबद्ध तरीके से विस्तारित किया जा सकता है। शुरुआत में व्हाट्सएप केवल अपने 20 मिलियन, याद रखिएगा 20 मिलियन जो यूजर्स हैं व्हाट्सएप के, उनके लिए ही भुगतान सेवा शुरू कर सकता है। व्हाट्सएप के नवीनतम संस्करण में भुगतान प्रणाली को, जो व्हाट्सएप का जो न्यू एडिशन है उसमें व्हाट्सएप ने 10 भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में रोल आउट किया है, जो 10 जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं इंडिया की उनमें रोल आउट किया है व्हाट्सएप ने जो अपने न्यू एडिशन में। और कितने बैंकों के साथ इसने जो साझेदारी की है, पार्टनरशिप की है, तो 5 बैंकों के साथ, वो है SBI, HDFC, ICICI, एक्सिस और जियो पेमेंट्स बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक ब्यूरो BIS को किस मंत्रालय में शामिल किया गया जाएगा? भारतीय मानक ब्यूरो, क्या फुल फॉर्म हो जाएगा इसका इंग्लिश में? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को किस मंत्रालय में शामिल किया गया है? इंग्लिश में, इन विच मिनिस्ट्री विल द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बी इंक्लूडेड? तो इसको अभी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, किसमें? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में शामिल किया जाएगा। किसको? BIS को। सरकार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत भारतीय मानक ब्यूरो BIS लाने के लिए काम कर रही है। इसमें देख सकते हैं, यह है BIS का लोगो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इंग्लिश में, हिंदी में भारतीय मानक ब्यूरो। वर्तमान में BIS उपयोगकर्ता मामलों, उपभोक्ता मामलों की श्रेणी में खाद्य और लोक प्रशासन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अभी ये किसके अंतर्गत आता है? तो अभी ये खाद्य और लोक प्रशासन मंत्रालय के अंतर्गत आता है BIS, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो। लेकिन अब इसको वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत लाया जाएगा। BIS की बात करते हैं तो ये कानूनी निकाय है जिसका गठन 1986 में किया गया था। इसे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान ISI के रूप में जाना जाता था। किसके रूप में? ISI, जिसे हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान। और इसके महानिदेशक कौन है BIS के? उनका नाम है प्रमोद कुमार तिवारी, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और अभी वर्तमान में हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। और पीयूष गोयल हमारे वर्तमान में रेल मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड कितने डॉलर पर पहुंच गया है? ये जो हाल ही में जो क्लोजिंग वीक था उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट जारी की गई है RBI के द्वारा। तो अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑफ द रिजर्व बैंक, द कंट्री फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैज रीच्ड अ रिकॉर्ड फॉर हाउ मेनी डॉलर्स। तो अभी इसका पहुंच गया है 5.4, कितना? 5.4 अरब डॉलर पहुंच गया है RBI की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार देश का, यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5.412 अरब डॉलर बढ़कर लगभग 560 के अप्रोक्स पहुंच गया है। इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में रखे गैर अमेरिकी यूनिट्स जैसे यूरो, पाउंड और येन में बढ़ोतरी और गिरावट का असर भी शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? इन विच स्टेट ऑफ इन द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लेड? आई रिपीट, इन विच स्टेट इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE लेड? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम।
असम में रखी गई है इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला। असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी के बाहरी इलाके खेतरी में सब्जियों के संरक्षण के लिए इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी गई है। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स प्रोडक्ट कल्टीवेशन 10.33 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाना है। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल हैं और राज्यपाल हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी और राजधानी है दिसपुर। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग हमारे चैनल का नाम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको डेली करंट अफेयर्स की नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।